हेलो गाइस, मैं अजय शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड, फाउंटेन फील्ड, पैटर्न फील्ड, टेक्सचर फील्ड, पोस्ट टेक्सचर फील्ड, नो फील्ड और कलर के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने यहाँ पे एक बॉक्स सिलेक्ट कर रखा है। जस्ट हम अब यूनिफॉर्म फील्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यूनिफॉर्म फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ से आप कोई भी कलर चूज करके इस बॉक्स पर दे सकते हैं। इस तरह से आप कलर को चूज कर सकते हैं यहाँ से। गाइस, ये देखिए, यही आपको कलर में CMYK, RGB, HSB, LAB, ग्रे स्केल सारी चीजें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यदि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको यहाँ मिक्सर का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप कलर मिक्स कर सकते हैं या इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें भी आपको RGB, CMYK सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ आपको ट्राइंगल में करना है, 3 कॉन्ट्रास्ट देखना है इसके, रेक्टेंगल में करना है या 2 ट्राइंगल में करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं, इसके लाइट एंड डार्क सारे कलर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे प्लेटेंस का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से पोर्टोन कलर नेम वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपको यहाँ से कलर की काफ़ी सारी पैटर्न्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे कलर नेम का ऑप्शन आता है, पोस्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन आता है, स्वेप कलर आता है। इसके अलावा गाइस, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है फाउंटेन फिल का। फाउंटेन फिल को यूज करने के लिए गाइस मैं इस पर क्लिक करूंगा, हमारे सामने वापस से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लाइनर में देना है या रीडर में देना है, आप स्क्वायर में देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं भी रीडर में दे रहा हूँ। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कहाँ पे ग्लो देना है, कहाँ पे शाइन देना है या कहाँ पे डार्क देना है, कहाँ पे लाइट देना है, तो आप यहीं पे प्रीव्यू में सेट कर सकते हैं इसे इस तरह से। इसके यहाँ से कस्टम भी आता है, यदि आप 2 से अधिक कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसे कुछ इस प्रकार से। वो जस्ट आपको ओके पर क्लिक करना है, तो इस तरह से ये एक ग्रेडियंट कलर आपको बना हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, पैटर्न कलर का एक ऑप्शन आता है, इसमें हम पहले से ही हमें कुछ बने हुए पैटर्न्स मिल जाते हैं। काफी सारे पैटर्न्स बाय डिफॉल्ट हमें इसमें मिलते हैं, फुल कलर में भी मिलेंगे। ये आप देखिए, इस तरह से बिटमैप में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। जस्ट हमें इन्हें चूज करना रहता है इस तरह से और ओके पे क्लिक करना रहता है। ये देखिए, हमें हमारे ऑब्जेक्ट पे एक पैटर्न फिल हो चुका है। इस तरह से एक क्लाउड का पैटर्न हमारे इस ऑब्जेक्ट पे आ चुका है। हमारा गाइस नेक्स्ट टूल है टेक्सचर फिल। इसमें भी गाइस आपको काफ़ी सारे सिंपल सी वेन मिल जाएंगे, पहले से बने हुए टेक्सचर फिल। कुछ इस तरह से यहाँ से आप इनके कलर वगैरह भी चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होता है। ये देखिए गाइस, इस तरह से ये पैटर्न हमारे ऑब्जेक्ट में आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है गाइस पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। जब हम इस पे क्लिक करते हैं गाइस तो इस तरह का बॉक्स एक ओपन हो जाता है। यहाँ प्रीव्यू फिल होता है जिससे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा। इसके लिए हम जस्ट प्रीव्यू फील्ड पे चेक बॉक्स को ओके करेंगे। ये देखिए, आपको कई तरह के पैटर्न्स यहाँ पे भी बने हुए मिल जाएंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट पैटर्न्स जिन्हें हम बोलते हैं या टेक्सचर आप बोल सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको ये आपके ऑब्जेक्ट पे फिल हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आता है नो फिल का ऑप्शन, जैसा कि इसमें अभी ये फील है इसको हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं जस्ट जाके नो फिल कर दूंगा। ये देखिए, इस पे से हट चुका है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है गाइस कलर।
मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इस तरह का एक कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में आ जाएगा। यहाँ से मैं इसमें कुछ अपने बॉक्स में या ऑब्जेक्ट में कलर डाल सकता हूँ। यहाँ से फिल करना है तो मुझे फिल में डाल सकता हूँ, या आउटलाइन में जिस कलर चेंज करना है तो आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ से गाइस में। यहाँ से भी सी एम वाई के आर जी बी के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस, वही सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे भी मिल जाती है इस तरह से। तो गाइस इस तरह से हम इन सभी टूल्स का यूज़ कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं।